कल हम किसी एक बड़े आदमी से मिले थे, तो उन्होंने कहा भाई जिसके पास क्या मत नहीं है उसका काम नहीं होगा, तुम क्या जनसंख्या के आधार पर ही काम करोगे? तो फिर तो जो गरीब लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, छोटे तबके में रहते, उनका तो काम ही नहीं होगा। तो काम होने के लिए आपको केवल संख्या की जरूरत नहीं है, काम होने के लिए जो काम की जो स्तर है या जो सत्यता है वो होनी चाहिए। तो हमारे इसमें इसको तो कोई नकारता नहीं है, ना सत्ताधारी नकारते ना विरोधक नकारते, बोलते बात तो सही है यार तुम्हारी। अभी आप भी बोल रहे हैं, आप भी मीडिया वाले, आपको भी इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि भाई इस मामले में कहीं ना कहीं सत्ता। अभी ये कोर्ट में जाने वाले लोग जो है वो इंडिविजुअली ग्रुप बनाकर इंडिविजुअली कोई वकील करके जा रहे हैं, ठीक। अब जो गरीब आदमी वकील करके वहां पे जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसी के पैसे से 10 वकील खड़े कर रहे हैं उसके खिलाफ, पैसा उसी का है, जो उसने जमा किया हुआ पैसा है वो वकीलों को देके 10 वकील उसके खिलाफ खड़े कर रहे हैं। तो ये तो जाति है, अत्याचार है, इसीलिए तो आंदोलन जो कर रहे हैं पूरे देश में वो सरकार का इस तरफ ध्यान आकर्षण करने के लिए कर रहे हैं कि भैया तुम्हारा ये गलत हो रहा है, तुम्हारा ये गलत हो रहा है, हमारी ये चार मांगे है, इस चार मांगों को पूरी करने में तुम यहाँ यहाँ कसर छोड़ रहे हो। ये आंदोलन में हम जीतेंगे, ये तो बहुत नजदीक लग रही जीत। मुझे लगता है ये हमारा आखिरी पार्लियामेंट का सेशन है, आखिरी सेशन है इस सरकार का, इसके अंदर हमारा काम होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर हम मिलके पूरी संगठन की जो हमारी कमेटी है मिलके निर्णय लेगी और फिर देखा जाएगा।